जय हिंद दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोवेव के इस तीन पार्ट के बारे में। पहला है फैन। फैन क्या काम करता है, फैन अगर खराब होता है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, और फैन में क्या क्या दिक्कत आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद इसका क्या काम है माइक्रोवेव में और वो कैसे वर्क करता है, इसके बाद इसका क्या काम है माइक्रोवेव में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस फैन के बारे में जानते हैं कि फैन का माइक्रोवेव में क्या काम होता है। फैन का जो है माइक्रोवेव में कूलिंग करने का काम होता है। मैग्नेट्रॉन के साइड में एक पंखा लगा रहता है, तो क्या होता है कि जब मैग्नेट्रॉन स्टार्ट होता है तो मैग्नेट्रॉन जब हीटिंग करता है माइक्रोवेव में तो क्या होता है, गर्म होता है वो। जब गर्म होता है तो उसको भी ठंडा करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसी को ठंडा करने के लिए ये आपका फैन लगाया गया है। जब तक मैग्नेट्रॉन चलता रहेगा जब तक ये पंखा भी आपका चलेगा, मैग्नेट्रॉन के साथ में ये फैन स्टार्ट होता है उसको कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए। अगर ये फैन खराब हो जाएगा आपका हीटिंग जो है नहीं करेगा प्रॉपर, मतलब थोड़ा देर चलेगा मैग्नेट्रॉन फिर गर्म होगा उसके बाद फिर से बंद हो जाएगा, फिर जब मैग्नेट्रॉन ठंडा होगा फिर चलेगा। मतलब फैन का बहुत बड़ा रोल है माइक्रोवेव में। अगर फैन खराब होता है तो आपका हीटिंग अच्छे से नहीं करेगा। अगर फैन खराब हो जाता है तो उसमें देखिए चेक करने का जो प्रोसेस है बताते हैं आपको हम। मीटर पे आप ध्यान दीजिएगा, मीटर का जो स्विच है ये लगेगा आपका 20K, देखिए 20K, ठीक है 20K ओम्स पे उसको हम लोग सेट करेंगे। और सेट करने के बाद इस फैन में आपका तीन टर्मिनल रहता है, देखिए तीन टर्मिनल है 1, 2 एंड 3। तो जो माइक्रोवेव में जो कनेक्शन होता है जो तार जाता है इसमें जाता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा 220 एसी, 220 वोल्ट, देखिए यहाँ 220 वोल्ट, 240 वोल्ट यहाँ पे लिखा रहता है एसी, 220, 240 वोल्ट, मतलब ये आपका एसी फैन है। तो एसी फैन में क्या है, देखिए यहाँ पे तीन टर्मिनल है, तो तीन तीन टर्मिनल में से आपका राइट और लेफ्ट में आपका न्यूट्रल ऑफ फेज जाता है, और बाकी बीच वाला खाली रहता है, बीच वाला में कनेक्शन नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी अगर मांग चलिए कनेक्शन करना पड़ गया तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बीच वाला पॉइंट हमेशा खाली रहता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है ये दोनों पिन पे आपका पॉइंट कनेक्ट होता है लाइन और न्यूट्रल, तो आपका फैन स्टार्ट होता है। अगर गलती से इसमें अगर जोड़ दिए तो आपका उड़ जाएगा पंखा, जो है खराब हो जाएगा, जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए लेफ्ट राइट यही दोनों में कनेक्शन देना है न्यूट्रल और फेज का। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, देखिए आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड जो टर्मिनल है बगल अगर लेफ्ट राइट में उसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। देखिए आपको बता रहा है 0.36 ओम्स, ठीक है ये आपका फैन मोटर नया है 0.36 ओम्स बता रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा डायरी में इतना ओम्स बताएगा। इसके बाद लेफ्ट वाले में और मिडिल वाले में हम लोग सटाएंगे कनेक्ट करेंगे। देखिए अब यहां बताएगा आपका 3 ओम्स, 0.03 ओम्स बताएगा। इसके बाद बीच वाले में और दाहिने साइड में जो है इसको हम लोग टच करेंगे तो देखेंगे कि 0.31 ओम्स आ रहा है, ठीक है। चलिए अगर ये आपका ओम्स नहीं बता रहा है इसका मतलब आपका फैन डिस्कनेक्ट हो गया है, खराब हो गया, अगर फैन नहीं चल रहा है तो, ठीक है। इसमें एक और दिक्कत आता है, इसमें एक दिक्कत आता है साउंड का, मतलब साउंड इसमें आने लगता है। जब साउंड इसमें आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस पंखे को खोल के ग्रीसिंग कर देना है। आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से ग्रीसिंग होता है। ये दोनों जो नट है इसका, इस नट को खोल लेना है सबसे पहले, देखिए नट खोलने के बाद देखिए यहां पर ऐसे कीजिएगा तो आपका ये निकल जाएगा। देखिए निकलने के बाद क्या है, जो पीछे जो रहता है यही ज्यादा आवाज करता है। यहां देखिए पीछे इसका एक प्लास्टिक रहता है, इस प्लास्टिक को निकाल के यहां पे आपको ग्रीस लगा देना है साफ करके, और ग्रीस लगाने के बाद फिर जैसे था वैसे इसको टाइट कर देना है, तो आपका साउंड का इश्यू खत्म हो जाएगा। इसमें दो इश्यू आएगा, एक तो डेड हो जाएगा और दूसरा आता है साउंड का इश्यू। अधिकतर में आपको साउंड का इश्यू मिलेगा, तो साउंड का इश्यू मिलेगा तो इसको खोल के इस तरह से आप साफ करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। फिर से इसको इस तरह से नट को लगा देना है और इसको कस देना है, आपको मैक्सिमम केस में साउंड इशू मिलेगा,
माइक्रोवेव में फैन रिलेटेड डेड बहुत कम होता है, खराब बहुत कम होता है। ये हो गया आपका, मीटर से भी चेक हो गया आपका, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट चेक करने का एक प्रोसेस है, आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट चेक करके, डायरेक्ट चेक कैसे होता है। जैसे कि आपको बताया थे कि लेफ्ट और राइट इसी दोनों में हमको कनेक्शन देना है। अब देख लीजिए आप कनेक्शन दे रहे हैं इस पे, देखिए एक तार जोड़ दिए हैं आपको नीचे में, एक ऊपर में सटाएंगे। देखिए फैन आपका चालू हो गया है, मतलब ये मीटर आप, ये आपका फैन मोटर जो है सही है। ये आपका डायरेक्ट चेक करने की प्रक्रिया है। एक तार लगा दिए नीचे वाले पॉइंट में और एक तार रहेगा ऊपर में, जो इसका कनेक्शन होता है तो आपका फैन चलेगा। अगर गलती से बीच में सटा देंगे तो आपका मोटर जो है डेड हो जाएगा, उड़ जाएगा मोटर आपका। इसीलिए याद रखिएगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दोनों में आपका फेज और न्यूट्रल जाता है, तभी आपका फैन चलेगा। फैन एकदम सही है, ये आपका डायरेक्ट चेक हो गया। तो ये रहा आपका फैन की बात, तो फैन आपका चेक हो गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए ये है आपका स्विंग मोटर, जो माइक्रोवेव के अंदर में प्लेट घूमता है उस प्लेट का ये मोटर है। तो कभी कभी क्या होता है कि इससे भी आवाज आ जाता है, खराब हो जाता है भी मोटर, तो कभी कभी इससे भी साउंड आता है। और अगर डेड हो गया तो आपका प्लेट नहीं घूमेगा। जब प्लेट नहीं घूमता है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे जो पिन आता है इस पे 220 वोल्ट आता है, जो यहाँ पे पिन लगा रहता है इस पे 220 वोल्ट आता है। तो माइक्रोवेव का चालू करके आप 220 वोल्ट पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है तो उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। देखिए इसको चेक करने का प्रक्रिया है, यहां दोनों सटाएंगे हम लोग दोनों, और मीटर पे देखेंगे, मीटर पे, ठीक है। देखिए मीटर पे आपका 15.30 दिखा रहा है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है आपका 15.30 है, क्योंकि ये मोटर एकदम सही है, रनिंग कंडीशन में मोटर है, इसको चेक किए हुए तो 15.30 दिखा रहा है इसका रेजिस्टेंस। अगर मांग चलिए ये हो गया आपका मीटर से, अगर मीटर से चेक कर लिए उसके बावजूद भी अगर ये नहीं चल रहा है तो उसको फिर हम लोग डायरेक्ट लाइन देंगे 220 वोल्ट, क्योंकि ये भी जो है 220 वोल्ट पे ही चलता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट डैश 240 वोल्ट, मतलब ये भी एसी मोटर है आपका। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों पिन में जो है हम लोग सप्लाई दे देंगे। देखिए ये किस तरह से घूम रहा है, अब पता चल रहा होगा आपको अच्छे तरीके से कि ये मोटर आपका सही है। डायरेक्ट इसमें 220 वोल्ट भी देके आप उसको चेक कर सकते हैं, खराब है या अच्छा है। अगर मांग चले कभी कभी होता है कि पावर सप्लाई जो है इसमें आता है वो आपका फॉल्टी वोल्टेज आता है, मतलब पीसीबी खराब रहेगा लेकिन मीटर पे 220 वोल्ट दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 220 वोल्ट नहीं आता है, वो आपका फॉल्टी वोल्टेज आता है। उस कंडीशन में आपको पीसीबी रिपेयर करना पड़ेगा, इसीलिए मोटर को डायरेक्ट चला के एक बार चेक कर लीजिएगा कि मोटर सही है या खराब है, नहीं तो फिर नया मोटर लेके जाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर से वो काम नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका स्विंग मोटर चेक करने की प्रक्रिया। स्विंग मोटर क्यों लगा रहता है, देखिए क्या है कि ये घुमाता है तो खाना चारों तरफ से अच्छे तरीके से पकता है, अगर नहीं घुमाएगा तो खाना अच्छे तरीके से नहीं पकेगा, एक ही तरफ में धार लगता रहेगा और अच्छी तरह से सीझेगा नहीं, इसीलिए घूमता है ताकि जो माइक्रोवेव में से जो रे निकलता है रे चारों तरफ में अच्छी तरीके से लग जाए, या कन्वेक्शन चलता है तो चारों तरफ में अच्छी तरह से धार लग जाए और पक सके। इसीलिए इस स्विंग मोटर का यूज किया जाता है माइक्रोवेव में उस प्लेट को घुमाने के लिए। इसके बाद देखिए ये आपका छोटा सा चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टेट, मैग्नेट्रॉन के ऊपर में लगा हुआ रहता है, मैग्नेट्रॉन के ऊपर में लगा हुआ रहता है। इसका काम क्या होता है कि अगर पंखा खराब हो गया, माइक्रोवेव के अंदर में पंखा खराब हो गया है तो क्या होगा कि मैग्नेट्रॉन ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो उस कंडीशन में आपका मैग्नेट्रॉन खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको लगाया जाता है कि आपका मैग्नेट्रॉन जो है खराब ना हो, हीटिंग कैपेसिटी रहता है इसका, उससे ज्यादा अगर हीट करने लगेगा तो ये आपका थर्मोस्टेट कट हो जाता है, मतलब सप्लाई जो है मैग्नेट्रॉन से काट देता है, फिर मैग्नेट्रॉन आपका बंद हो जाएगा। अगर माइक्रोवेव में फैन खराब होगा तो फैन खराब होने के बाद जो है ये आपका थर्मोस्टेट ओवर हीट होके आपका मैग्नेट्रॉन का कनेक्शन काट देगा, मैग्नेट्रॉन को खराब होने से बचाता है। ये है आपका थर्मोस्टेट का काम। अगर थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा, देखिए ये आपका थर्मोस्टेट है, इसमें हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी, इसको लगा देंगे हम लोग 200 ओम्स पे
अपना जो बजर साइन होता है इसको चेक करेंगे हम लोग। देखिए मीटर लगा के तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बताएगा, सिर्फ कंटिन्यूटी बताएगा, समझ लीजिए कि ये सही है। कंटिन्यूटी बताएगा तो समझ लीजिए कि ये आपका थर्मोस्टेट सही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो ये आपका थर्मोस्टेट खराब हो गया है, उस कंडीशन में आपको थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।